तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है? सम ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स टू द पावर एम एंड बी एक्स टू द पावर एन इज 14x⁴। विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट द वैल्यूज ऑफ ए बी एम एंड एन। तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही है ये हमको पूछा है। तो आइए सबसे पहले इसको करते हैं। यहां पर क्या है, ए एक्स टू द पावर एम और इसका सम क्या है, बी एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब हमको बोला है चार वैल्यू। तो अब यहां पर अगर ए और बी मान लेते हैं 14 हो, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 14x टू द पावर एम प्लस बी एक्स टू द पावर एन और यहां पर भी क्या है 14। तो बेटा दोनों के पावर अलग है तो यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई एडिशन नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल टू 14। तो जैसे हम यहां पर बोले, अगर हमारी m और n की वैल्यू सही है, चार है, तो हम इसको करेंगे a टू द पावर a x टू द पावर m प्लस b x टू द पावर n। इसमें अगर हम a x टू द पावर m की जगह पे अगर हम चार ले ले, यहां पर अगर मैं चार ले लेता हूं, ठीक है, और बी एक्स टू द पावर एन की जगह पे अगर चार ले लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। अब यहां पर ए प्लस बी 14 बोला है, ठीक है, तो एम इज इक्वल टू एन कितना आ रहा है, एम और एन की वैल्यू कितनी आ रही, चार आ रही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।